ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं कृतिका। खबर यूपी के एटा से है। देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोविड-19 बीमारी ने हड़कंप मचा दिया है और देश के लोगों ने दोनों हाथ खोलकर पीएम और उत्तर प्रदेश सीएम के खाते में जमकर दान राशि और राशन पैकेट देकर अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में एटा डीएम को नीमा के आजीवन सदस्य व समाज सेवी डॉक्टर सुरेंद्र मोहन सारस्वत और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ अलीगढ़ मंडल के प्रभारी हरेंद्र मोहन सारस्वत ने कोविड-19 बीमारी से त्रस्त लोगों को लेकर एटा जिलाधिकारी सुखलाल भारती को 51,000 रुपये का चेक सौंपा है। वहीं डॉक्टर सुरेंद्र मोहन सारस्वत ने बताया कि वह नीमा के आजीवन सदस्य हैं और उन्होंने अपनी एक माह की पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में चेक से दी है, जिससे कोविड से त्रस्त लोगों की मदद की जा सके। वहीं डॉक्टर सारस्वत ने बताया कि वो काफ़ी लंबे समय से अपने आवास पर बने क्लिनिक पर गरीब और असहाय लोगों का मुफ्त इलाज करते हुए लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं, जिसकी एटा शहरवासी लोग उनके इस नेक कार्य की प्रशंसा करते देखे जा रहे हैं। और इनके छोटे भाई और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के मंडल प्रभारी हरेंद्र मोहन सारस्वत भी मानवता, नैतिकता और करुणा के सरोवर इस व्यक्ति को लोग एटा के जनसेवक के रूप में जानते हैं। यह अक्सर लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर लोगों की मदद करते देखे जाते हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। इसका आपको दस्तावेज करते हुए अपनी पूरी एक माह की पेंशन क्या गया? इस फंड में उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में मैंने जो आत्मदर्द को सौंपा है जी। और ये मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह और भी लोग इस मार्ग पर आगे आए और इस फंड में और इस बीमारी से लड़ने के लिए जी सभी का योगदान, सभी का सहयोग आवश्यक है। डॉक्टर साहब, बताया गया कि आपके द्वारा जो लोगों को फ्री में मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, अभी कोविड चल रहा है, लोगों की जनसेवा कर रहे हैं आप? हाँ, मैं अभी से नहीं, जब से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ तब से ही मैं अपने क्लिनिक में बैठता हूँ जी और रोगियों की निःशुल्क जी चिकित्सा सेवा करता हूँ। उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, दवाई उनको कंसल्टेशन उनको परामर्श फ्री दिया जाता है। यहाँ तक के अपने पास से जो गरीब मरीज आते हैं उनको औषधि भी अपने पास से ही उपलब्ध कराता हूँ। धन्यवाद।